हेलो मेरे प्यारे बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ इच प्लेट्स इज हाफ। इफ सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, इट्स फाइनल कैपेसिटेंस इज। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए जरा, सब लोग ध्यान से देखें। देखिए इस नीट 2022 के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखें ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डबल कर दिया गया है ना, चलिए देखिए, और एरिया को आधा कर दिया गया है, तो ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पर पॉजिटिव 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 चार्ज, इस पर नेगेटिव 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 और नेगेटिव चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस डी होता है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए होता है। अगर इसको मैं ऐसे बोल दूँ, ये पॉइंट पी और ये क्यू, तो मैं सी लिखना चाहूँ तो सी लिखूँगा कितना, ए एप्साइलन नॉट बाई डी। अब कह रहा है कि अगर इसका जो एरिया है, एरिया वो कितना कर दिया जाए, ए बाई टू कर दिया जाए, और डिस्टेंस जो है डी डैश वो क्या कर दिया जाए, टू डी कर दिया जाए, तो बताइए नया कैपेसिटर क्या होगा, नया कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखें, हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं सी डैश इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ए डैश एप्साइलन नॉट बाई डी डैश। ए डैश की वैल्यू रखिए, ए डैश की वैल्यू है ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, डी डैश की वैल्यू टू डी, या इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना, टू डी तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई में टू और हो जाएगा कितना, तो हम लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना, फोर डी। और ये देखें, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, वो आएगा सी डैश की वैल्यू किस कितना, सी बाई फोर, यानी कितना आया बच्चों, सी बाई फोर, सी बाई फोर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, सी बाई फोर, ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी बाई फोर आ जाएगा। ओके चलिए,